कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जनता से अपील की गई थी, जनता ने अपील का समर्थन किया। उसको देखते हुए बारा देवी मंदिर में, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर, नवरात्रों में बड़े दूर के लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और सैकड़ों की तादाद में भक्त दर्शन करते हैं और अनेक प्रकार की तरह तरह की दुकान और झूले प्रदर्शनी लगाई जाती है। उसको देखते हुए मंदिरों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा देखने को मिला, जिससे भक्तों ने नवरात्रि से लेकर रामनवमी तक लॉकडाउन का पूरा पूरा समर्थन किया और अपने घरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने का संकल्प लिया। वहीं पर हम आपको बता दें, मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी भक्त किसी प्रकार का उल्लंघन ना करे। इसको देखते हुए हर वक्त पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और रामनवमी कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी को देखते हुए घर में नवरात्रि से लेकर रामनवमी माँ बारा देवी के मंदिर में लोगों का सन्नाटा पसरा देखने को मिला। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर के बारा देवी मंदिर में खड़े हुए हैं, जहां पर आपको बताते चले हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी। रामनवमी का आज आखिरी दिन है, वही आज देखने को मिल रहा है किसी तरह यहाँ पर सन्नाटा इस तरह पसरा हुआ है। यहाँ पर भी देखते हैं कि जो द्वार है यहाँ पे माता रानी का, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ रहती थी और काफ़ी बड़ा मेला लगता था। तो यहीं ना देखते हुए कि जनता भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है इस चीज़ का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि ऐलान किया था ये लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के, वहीं पर आप देखिए पूरी तरह कंधे से कंधा लगा करके पब्लिक आज बिल्कुल साथ दे रही है। तो आज देखते हैं किस तरह दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है और बराबर कहीं एक दो लोग बाकी दिखाई दे रहे हैं जो कि रोड पे मेडिकल के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं गैस के लिए जा रहे हैं, इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। कानपुर से मानसून श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।